भ्रष्टाचार में डूबी हरियाणा सरकार ने युवाओं को इसराइल जाने के लिए मजबूर किया। पिंजौर में बोले आप जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल। शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने वीरवार को कहा कि आप पार्टी शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रदर्शन करेगी और शुक्रवार को 15 और 11 के चौक पंचकुला में सभी आप कार्यकर्ता इकट्ठे होकर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर रोष प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण नौजवानों के रोजगार के लिए पुलिस की लाठियाँ से नहीं डरेंगे और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने कहा कि जब सरकार नौकरियाँ नहीं दे पा रही है तो खट्टर सरकार 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बनाकर इसराइल भेज रही है। इस युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में जहां जान का खतरा बना हुआ है, जहां से सभी देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा के चिरागों को मौत के मुंह में झोंकना चाहती है, जो हरियाणा के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में युवाओं के साथ खड़ी है। इस प्रेस वार्ता के दौरान ईश्वर सिंह, अशोक शर्मा, कैप्टन अमरजीत सिंह, गुरचरण सिंह, कर्णपुर, चिंतामणि भारद्वाज, ज्योति चौहान, उदय सिंह, मनदीप कौर, जसविंदर सीमा, तनु बाबा एवं कई अन्य लोग मौजूद रहे। यहां बीजेपी सरकार हरियाणा के लोगों से बहुत धक्का कर रही है। विकास के नाम पे कोई चीज नहीं, रोजगार के नाम पे कोई चीज नहीं, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं, चिकित्सा के ऊपर कोई ध्यान नहीं। तो आम आदमी पार्टी रोजगार के संबंध में जो इन्होंने झूठे वादे करे थे उनकी परजोर निंदा करती है और निखेधी करती है। युवा के साथ आज बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी, आपको पता ही है पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकार है, लगभग 42,000 नौकरी 2 साल से पहले श्री भगवंत मान जी ने दी। और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि पिछली बार IIT में 650 के करीब हमारा बच्चा दिल्ली से सिलेक्ट हुआ। जो आम आदमी पार्टी की सोच है, शिक्षा फ्री देनी, रोजगार देना, महिलाओं को फ्री किराया देना, पानी फ्री देना, बिजली फ्री देनी, 24 घंटे देनी।